हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इजी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। इस नाश्ते को बनाने में मैंने बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, अनियन टमाटो सैंडविच। ब्रेड का इजी और टेस्टी टी टाइम स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डालेंगे हम तेल। अब पैन में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पर एक प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। प्याज को हम हल्का सा सौटे करेंगे। प्याज हमारा हल्का सा सौटे हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देते हैं कद्दूकस किया हुआ अदरक और टमाटर। यहाँ पे टमाटर मैंने एक इस्तेमाल किया है और अदरक मैंने एक छोटा टुकड़ा इस्तेमाल किया है। तो दोनों चीज़ों को हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे, हल्का सा इसको भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, अदरक और प्याज हमारा जो है वो हल्का सा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक चम्मच गरम मसाला का पाउडर, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो है ऑनियन टमाटो सैंडविच। तो ऑनियन टमाटो सैंडविच के लिए ये देखिए, हमारा जो ऑनियन और टमाटो है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करेंगे। टमाटो ऑनियन सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर तवे पे हम थोड़ा सा घी डालेंगे। अब इसके ऊपर हम एक ब्रेड डाल लेंगे। अब हमने जो टमाटो और अनियन का मसाला तैयार किया है उस मसाले को हम इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसके ऊपर से हम एक और ब्रेड डाल लेते हैं इस तरीके से। और अब हम इसे पलट लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम और घी डालेंगे। घी का ही इस्तेमाल करें इस टोस्ट को बनाने के लिए, आप बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा आपका। किसी भी रिफाइंड तेल या फिर रिफाइंड का उपयोग अगर आप नहीं करें तो ज़्यादा बेटर होगा। घी जो होता है वो बढ़िया होता है और बच्चों को जो टमाटो अनियन सैंडविच है वो काफ़ी पसंद आएगी। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बन करके रेडी हो जाती है। तो आप ट्राई कीजिए फ्रेंड्स कि आप इसे घी में ही बना करके रेडी करें। और ये देखिए, इस तरीके से दबाते हुए आपको इस सैंडविच को सेक लेना है बहुत अच्छा कलर आने तक। जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता है तब तक हम इसे सेकेंगे। और अब जो इसका कलर है वो गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसे कर लेते हैं ऑफ। और इसी के साथ हमारा बहुत ही ईजी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी से रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ।